प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। उन्होंने गुड़िया कांड को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर गलत तूल दिया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि गुड़िया कांड के अलावा ऐसी हजारों घटनाएं हो रही है जिस पर सरकार रोकथाम करने में असफल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बैजनाथ पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बैजनाथ पहुंचने पर पूर्व विधायक किशोरी लाल के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। प्रतिभा सिंह ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भोले बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। प्रदेश के हर विधानसभा में टिकट के चाहवानों के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाएगा, किसी की सिफारिश या चहेतों को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसको टिकट देना है उसके लिए कांग्रेस कमेटी निर्णय करेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है, काम किया है और काम करेंगे। इसी मुद्दे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। एक कमेटी बनाई गई है, एक आदमी नहीं निर्णय लेगा, वो कमेटी निर्णय करेगी। पहले सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सबसे सक्षम है, जो सीट जीत सकता है उसी को कंसिडर किया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा जानने वाला या मेरा सपोर्टर है तो उसका नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वी विल सी कि कौन सर्वे में आता है, कौन सीट जीत सकता है, कौन सीट अच्छी तरह से निकाल सकता है, वो जो भी होगा उसको। मैडम, गुड़िया कांड को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं आपके खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है हमारी स्टेट का। आप जानते हैं कि एक छोटी सी बात को इतना तूल दिया जा रहा है, इतना तूल दिया जा रहा है, जबकि इनके कार्यकाल में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हजारों लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है जिसके बारे में ये उनको सुरक्षा देने में भी सक्षम नहीं रहे, और उन बच्चियों की पूछ कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप इनके आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि इनके कार्यकाल में कितने रेप केसेस हो गए। क्या इन्होंने महिला की सुरक्षा के लिए कोई कदम बढ़ाया या कोई ऐसा आह्वान किया या कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई कि हम महिला की सुरक्षा के लिए कोई हमारी सरकार कदम उठाने जा रही है या हम सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और हम इसको प्राथमिक तौर पर इस जो ये हादसे हो रहे हैं इसको डील करेंगे। पर इनकी तरफ से ना कोई बयानबाजी आ रही है, ना कोई ये महिला की सुरक्षा के लिए लेकर चिंतित है, इस बात का बड़ा मुझे खेद है और अफसोस है। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।